नमस्कार, आप देख रहे अरुणोदय समाचार। बासी इस वक्त की बड़ी खबर। मंगलवार को बांह विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को जनवरी तक पहुंचाने और कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महासदस्यता अभियान के तहत निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्रीमती मनोज दीक्षित के नेतृत्व में घड़ी, बरौली, गढ़वाल, कमतरी, चंद्रपुर ग्राम पंचायतों में सदस्यता शिविर लगाकर सरसता करवाई। पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय प्रदेश और देश की हालत खराब है। भुखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य का कोई भी ध्यान योगी सरकार नहीं रख पा रही है। किसानों की बदहाली तो सर्वविदित है, बेरोजगारी चरम पर है। हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा ली है, यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो महंगाई, मरी, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। मनोज दीक्षित ने कहा कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 40% कांग्रेस पार्टी महिलाओं को टिकट महिलाओं को दी जाएगी। साल में 3 सिलेंडर गैस के मुफ्त दिए जाएंगे। आशा और आंगनवाड़ी का 10,000 मानदेय दिया जाएगा। वृद्धा और विधवा पेंशन 1,000 प्रतिमाह किया जाएगा। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि जनता से की गई प्रतिज्ञाओं को सत्तारूढ़ होने पर साकार करने का भरोसा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लक्षित समूहों के बीच यूनिक कोड वाला प्रतिज्ञा गारंटी कार्ड बांटे की पार्टी की सरकार बनने पर इस यूनिक कोड के जरिए लाभार्थी अपना दावा पेश कर सकेंगे। सदस्यता अभियान में शामिल सर्वश्री राजू बिधौरिया, मुन्ना लाल बघेल, नारायण शंकर शर्मा, उमेश शिवीर गुर्जर, वीरेंद्र सिंह प्रधान, जयवीर सिंह भदौरिया, उमेश गुर्जर, राहुल शर्मा, भानु दीक्षित, सत्यम दीक्षित, अमित राम शंकर, फूलवंती, जितेंद्र दीक्षित, शिवम त्रिवारी, बाबू सिंह राजावत आदि लोग उपस्थित रहे। बासे बबलू यादव की रिपोर्ट। धनपुरा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधनपुरा एकता।